हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर आता हूँ। उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार हमेशा आपकी क्लास होती है तो आप वापस पढ़ाई करने के लिए आ गए होंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं विद्यालय कब खुलने वाले हैं, स्कूल कब ओपन होने वाले हैं। तब तक बेटा आपको ऐसे ही पढ़ना है जब तक स्कूल ओपन नहीं होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बुक निकालना बेटा, पेज नंबर 35। हमने देखो प्रीवियस क्लास में क्या किया था, हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था चैप्टर नंबर 5 का, कि इस चैप्टर में हमारे को बेटा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो नोटबुक निकालना है, पेंसिल निकालना है और स्पेलिंग्स नोट करना है। मैं आपको स्पेलिंग्स लिखवाने वाला हूं इस चैप्टर की आज। तो ज्यादा देर नहीं करना है और नोटबुक निकाल दीजिए ईवीएस की और स्पेलिंग लिखना शुरू कर दीजिएगा। लिखो तो फिर चैप्टर नंबर 5 नंबर का चैप्टर है ना। हाँ, क्या है चैप्टर? HELPERS, हेल्पर्स इन अवर NEIGHBOUR HOOD, नेबरहुड तो आपको पता है, पड़ोस होता है। हेल्पर का मीन सहायक होते हैं, सहायता करने वाले। हिंदी मतलब क्या हुआ, हमारे पड़ोस में सहायक। हिंदी मीन्स भी मैं यहां लिख रहा हूं, हमारे पड़ोस में सहायक, ठीक है ना। अब बेटा स्पेलिंग नोट करना है, नोट करो। देखो पहली स्पेलिंग HELPERS, पहली स्पेलिंग लिखो हेल्पर्स। हेल्पर्स का मीन्स लिखना सहायक। हेल्पर का मीन्स क्या लिखोगे, सहायक लिखोगे। नेबरहुड की लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, पिछला चैप्टर पूरा नेबरहुड ही पढ़ा था, उसमें मैंने लिखवा दी थी। फिर लिखना ईच, और ईच का मीन्स होता है प्रत्येक। ईच का मीन्स होता है प्रत्येक। फिर लिखो जॉब, JOB, जॉब का मीन्स लिखना कार्य। जॉब का मीन्स क्या लिखोगे, कार्य लिखोगे। फिर लिखना MEET, मीट का मीन्स लिखना मिलना। मीट का मीन्स क्या लिखना, मिलना। फिर क्या लिखोगे, पर्टिकुलर, PARTICULAR, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर होता विशेष। फिर लिखना नीड यानी आवश्यक या जरूरत, NEED, नीड यानी जरूरत। फिर लिखिएगा कम्युनिटी, COMMUNITY, ये लिखना कम्युनिटी का मीन्स लिखना समुदाय। कम्युनिटी का मीन्स क्या लिखोगे, समुदाय। फिर लिखना MILK MAN, ये लिखना मिल्कमैन। ये क्या लिखोगे, मिल्कमैन यानी दूध वाला। मिल्कमैन लिखो, दूध वाला। फिर लिखना KEEP, लिखना कीप। कीप का मीन्स रखना। कीप का मीन्स क्या, रखना। फिर लिखो बफेलो, BUFF
ALOES बफेलोज, बफेलोज का हिंदी अब लिखना भैंसे, बफेलोज का मीन्स क्या होता है भैंसे, बफेलोज भैंसे लिखो और काउज आपको पता है गायें, फिर लिखना SELL सेल, सेल का मीन्स होता बेचना, सेल का मीन्स क्या बेचना, फिर लिखना आगे WASH ER MAN WASH ER MAN ये लिखना वॉशरमैन, और वॉशरमैन होता धोबी, कपड़े धोने वाला वॉशरमैन कहलाता है जो क्या करता है हमारे कपड़े धोता है। फिर आगे लिखो क्लोथ्स CLOTHES क्लोथ्स का मतलब कपड़े, क्लोथ्स का मतलब क्या कपड़े, फिर लिखना गार्डनर GARDENER ये होता गार्डनर, और गार्डनर होता माली, गार्डनर को क्या कहते हैं माली। लुक्स आफ्टर का मीन्स देखभाल, मेंटेन लिखो MAINTAIN मेंटेन यानी बनाए रखना, मेंटेन का मतलब बनाए रखना। फिर लिखना गार्डन यानी बगीचा, आपको पता है गार्डन यानी बगीचा, पारस का मीन्स भी बगीचा और कम्युनिटी मैंने लिखवा दिया। फिर लिखना वॉचमैन WATCH MAN वॉचमैन का मीन्स होता पहरेदार, पहरेदार होता है, वॉचमैन का मतलब क्या पहरेदार होता है। कीप का मीन्स वही रखना, नेबरहुड यानी पड़ोस को। फिर लिखना गार्ड्स GARD गार्ड का मीन्स लिखना सुरक्षा, गार्ड का मीन्स क्या सुरक्षा, वॉचमैन क्या करता है गार्ड करता है ना, सुरक्षा करता है कि नहीं करता है। फिर लिखना प्लम्बर PLUMBER प्लम्बर होता है नलसाज, यानी नल को ठीक करने वाला, उसको क्या कहते हैं नलसाज कहते हैं। फिर लिखना रिपेयर REPAIR रिपेयर का मीन्स होता है ठीक करना, या तो लिखो ठीक करना या लिखो मरम्मत करना, क्या करना मरम्मत करना। टैप का मीन्स नल, लिकिंग का मीन्स टपकने वाली LEAKING ये होता है लिकिंग, और लिकिंग होता है टपकने वाली, जो हमारे घर पर कभी कभार नल होता ना वो टपकने लग जाता है उससे, तो वो उसको बोलते हैं लिकिंग। आगे लिखना इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन को तो बेटा क्या कहते हैं बिजली को ठीक करने वाला, लाइट को सही करने वाला। फिर उसके अलावा एप्लायंस लिख दो, फिर ALPLIANCE ये लिखना एप्लायंस, और एप्लायंस होता है उपकरण, एप्लायंस क्या उपकरण। अब काउंट करो बेटा कितनी स्पेलिंग हुई, अब गिनो स्पेलिंग हुई कितनी है, देखो उधर
हेल्पर्स ईच जॉब मेड पर्टिकुलर नीड कम्युनिटी मिल्कमैन कीप और बफेलोज टोटली कितनी हुई देखो 3, 3 और 4 ठीक है ना। फर्स्ट साइड में 10 स्पेलिंग है, इधर देखो कितनी है सेल वॉशरमैन क्लोथ गार्डनर मेंटेन वॉचमैन गार्ड प्लम्बर रिपेयर लिकिंग और एप्लीएंस यानी 3, 3, 3 और 2 11 टोटली बेटा 21 स्पेलिंग है। कितनी है तो मैंने 21 स्पेलिंग्स आपको लिखवा दी है, तो आपको बेटा होमवर्क में यही करना है सारी की सारी। होमवर्क में क्या करना है सारी सारी HW में करना है और साथ में बेटा लर्न करना है, स्पेलिंग को याद करके आना है सारी स्पेलिंग को जो भी मैंने स्पेलिंग लिखवाई है ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये स्पेलिंग आपको क्लियरली दिख रही होगी, कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप बुक में दिख लीजिएगा आपको स्पेलिंग मिल जाएगी ठीक है ना। कल वापस मिलते हैं आगे वाली स्पेलिंग्स के साथ में, तब तक के लिए बेटा खुश रहें मस्त रहें तंदुरुस्त रहें। अब आपसे विदा लेता हूँ, कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।